तो क्या बजट की पहली सुलझा पाएगी धामी सरकार? पूरे साल समय पर बजट जारी करने के बाद तमाम निर्देश इस बार भी क्या वाकई कारगर साबित नहीं हुए? अब कांग्रेस कटाक्ष कर रही है इस बात को लेकर कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आखिर हफ्ते में तमाम विभागों के लिए 3600 करोड़ का बजट जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार के दिन करीब 1000 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी गई, लेकिन इस पर भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर में मिले इस बजट का विभाग इस्तेमाल करेगा तो करेगा कैसे? अब इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बजट को लेकर फिसड्डी कौन, अधिकारी या विभाग? पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। वित्तीय वर्ष 2022-23 भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन सरकार ने अंतिम दिन भी कई विभागों का बजट जारी करा है। ऐसे में विभागों के इन बजट के जरिए विकास के कार्यों की तेज रफ्तार करना सबसे बड़ा प्राथमिक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए सरकार ने बजट जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट के उपयोग को लेकर गाइडलाइन तय कर दी गई थी। हर विभाग को वर्ष के शुरू में हर मद में फिजूल खर्ची रोकने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। वित्त सचिव की तरफ से सभी विभागों को इस बार भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिससे तय समय पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान हो सके, विभागों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर काम हो सके और विभागों में फिजूल खर्ची पर लगाम लग सके। बावजूद इसके भी वित्तीय प्रबंधन करने में सरकार असफल रही है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार शुरू से आखिर तक ना तो विकास के काम कर पाई और ना ही वित्तीय प्रबंधन करके फिजूल खर्ची पर लगाम लगा पाई। तो वही बीजेपी वित्तीय प्रबंधन पर सरकार के कुशल नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थक रही है। क्लोजिंग के टाइम पे करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने पास किया है, जो अपने आप में वित्तीय कुप्रबंधन की ओर को इशारा करता है। और जो ये पैसा इन्होंने कल रात जो जारी किया है, उसकी खुर्दपुर्दी होना, उसने कहाँ होना, काम करने के लिए समय अवधि कहाँ बची? आप 12 महीने पूरे सोए रहे, 12 महीने के अंतिम दिन में, आप 12वें महीने के अंतिम दिन में आपने करोड़ों रुपए का बजट जो पास किया है, ये केवल और केवल बंदर बांट के अलावा और कुछ नहीं है। हमारी सरकार के द्वारा जो पिछले वर्ष जो था उसका भी पूरा लेखा जोखा और आगामी जो अभी हमारा जो वर्ष लग रहा है उसका लेखा जोखा सहित पूरी सारी कार्य प्रणाली को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठ के लेते रहते हैं। लेकिन जो जिन विभागों में कहीं कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई, उनका बजट जो है वो ठीक से अगर उन्होंने काम समय पर उसको जो खर्च होना चाहिए था, अगर कहीं वो उसमें कमी रह गई है, इस रूप में आगामी वर्षों में इसको कर लिया जाएगा। तय सीमा पर बजट जो है बजट जितने समय पर निर्धारित जो होता है उसकी तय सीमा की रहती है, उस समय पर वो उसका एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत उसको खर्च भी किया जाना चाहिए। प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन को लेकर विपक्ष सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि जिस आकांक्षाओं और उम्मीदों को लेकर इन्होंने डबल इंजन सरकार को चुना था, सरकार उस उम्मीद पर खरा उतरेगी और कमाल दिखाएगी। लेकिन ये लक्ष्य जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। इस रास्ते में सीएम धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेलगाम अफसरशाही को नियंत्रित करना, जिस पर सरकार की तरफ से पहल की जा चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब साबित होती है। 2022-23 के बाद अब 2023-24 के लिए भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सके, जो विभागों को बजट दिया गया है वो बजट सही समय पर खर्च हो सके और जनता को उन विकास कार्यों का लाभ मिल सके। ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और सबसे बड़ी चुनौती भी कही जा सकती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बजट की पहली क्या सुलझा पाएगी सरकार? विपक्ष कटाक्ष कर रहा है और सरकार और सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी दावा कर रही है कि विकास की रफ्तार बजट से दोगुनी होगी। मसला खर्च का है और अब इस खर्च को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। गरिमा दसोनी जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, कांग्रेस का अनुभवी चेहरा है, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रमुख
देवेंद्र भसीन साहब, माफ करिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, उमा सिसोदिया जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भसीन साहब, राजनीति की पाठशाला की बात नहीं कर रहा, आपके प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप खुद एक बहुत उत्तराखंड के सम्मानित कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो वो सवाल का जवाब सर आप ही से मिल सकता है और सत्ता पक्ष में भी आप ही हैं। सर मैं, मेरी मैथमेटिक बहुत कमजोर है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आप मजबूत करेंगे उसको। कहने में हर्ज नहीं है सर, जो है बता दिया मैंने आपको। 100 रुपए सर आपने मुझे दिए और आपने मुझसे कहा कि तिलक चावला इसको 30 दिन में खर्च करने हैं। ठीक सर, 1 महीने में 100 रुपए खर्च करने हैं। सर मैं 30 रुपए खर्च कर पाया 29 दिन में। आपने आखिरी दिन में 1,000 रुपए मुझे और दे दिए और कहा कि ये 70 वो हो गए और 1,000 ये हो गए, अब इनको खर्च करो एक ही दिन के अंदर। सर क्या ऐसा संभव होगा? सर क्या मैं खर्च कर पाऊंगा, क्या लगता है आपको? तिलक जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वित्तीय प्रबंधन शब्द का प्रयोग हुआ है वो अपने आप में बड़ा अच्छा है, उस पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी सर, जो आपने 29 दिन में 30 रुपए खर्च किए और बाकी एक दिन में आपको अधिक पैसे मिले, तो वो उसको एक दिन में खर्च नहीं करना है। अच्छा, वो अगले साल की जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में उनको व्यय करना है। अभी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें साफ कहा गया है कि जो कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए हैं उनको तो शुरू नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कार्य चल रहे हैं उनको पूरा करना है। और निश्चित तौर पर ये जो पैसा अभी आखिरी दिनों में जारी किया गया है वो उस पर खर्च किया जाएगा। ये मैं सहमत हूँ कि ये अपने आप में नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं भसीन सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप सहमत है कि आखिरी दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैं 29 रुपए 30 रुपए जो है खर्च कर पाया 29 दिन में, तो फिर मैं बाकी के पैसे जब खर्च नहीं कर पाया आपने कहा कि और ले लो, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये कैसे हो पाया? ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा ना कि वो समय अवधि एक दिन नहीं है। अभी धामी जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो वित्तीय प्रबंधन को लेकर काफी गंभीर है और यही कारण है कि आपने जो बजट रखा इस बार का, खर्च क्यों नहीं हो पाया मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये बीमारी जो है, ये जो आखिरी दिनों में खर्च ना होने की बीमारी, ये उत्तराखंड के पहले दिन से है और ये स्थितियाँ प्रदेश के कई राज्यों में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? निश्चित तौर पर जो लोग इस कार्य में लगे हैं, विभाग है जो अलग अलग, वे अपने काम को सही ढंग से पूरा नहीं करते, यानी विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है। आप ये कह रहे हैं स्थिति तौर पर ये बीमारी प्रदेश के अंदर पिछले 22 साल से हम देख रहे हैं, चाहे हमारी सरकार रही है, अब विभाग, कांग्रेस सरकार, विभाग के मंत्री क्या सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए हैं सर? नहीं, विभाग के मंत्री अपना काम करते हैं, लेकिन अंततः जो तो मतलब अधिकारी नहीं सुनते विभाग के मंत्री? नहीं सुनते तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तकनीकी दिक्कत तो सर एक विभाग में होगी ना, कि सभी विभाग में तकनीकी दिक्कत है? मैं यही कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ। और इसी बात को बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, यही बात दोबारा से कही गई है और अब तो अधिकारियों को चिन्हित भी किया जा रहा है कि कौन लोग कर रहे हैं और मुख्य सचिव स्वयं इसका मॉनिटरिंग करेंगे, ये भी तय हुआ है। पैसे में जो कमियां पहले लगातार चलती रही हैं उन कमियों को धामी सरकार दूर कर रही है और वित्तीय प्रबंधन की दिशा से अगर हम देखें, हमारा बजट बड़ा आया है, हमने जो है आय को बढ़ाया है, नए संसाधन इकट्ठे किए हैं और उसी क्रम में प्रदेश के विकास की एक नई रूपरेखा प्रदेश के सामने हमने रखी है, जो सन 2025 में प्रदेश को देश का अगली राज्य बनाने की दिशा में हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने वाला है। भसीन सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया और उत्तराखंड की जनता का भी, और आपने बहुत अच्छी बात कही दिल बड़ा करके, बहुत कम प्रवक्ता ऐसे बोल पाते हैं बिल्कुल स्पष्ट। गरिमा जी, सुना आपने डॉक्टर भसीन साहब कह रहे हैं कि ये तो बीमारी पुरानी है, ये हमारी सरकार की नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है और ये तमाम सरकारों में होता आया है। आप उससे कितना संतुष्ट हुए, उमा कितना संतुष्ट हुई या जनता कितना संतुष्ट हुई मुझे नहीं पता, लेकिन एक भी तर्क ऐसा नहीं था जो मेरे गले उतर था, वो मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि भसीन साहब को भी एक बीमारी है, वो है सबकी गुड बुक्स में रहने की, ना ये अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं, ना ये मंत्री विधायकों को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं ना गलती विधायकों की भी नहीं है, गलती मंत्री विधायकों की भी नहीं है, और कांग्रेस में भी ऐसे ही होता था। अगर कांग्रेस की ही सरकारों का सिस्टम आपकी सरकार में भी चलना है तो फिर जनता सरकारें बदले क्यों? अगर आपने सिस्टम में परिवर्तन नहीं लाना है,
अगर 22 सालों से जो धरना चला आ रहा है अगर वही सब करना है तो फिर काहे का डबल इंजन और काहे का प्रचंड बहुमत और काहे की जीरो टॉलरेंस। सीधे फिर तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हम फेलियर रहे, हम नहीं सरकार चला पा रहे, हम अफसरशाही को लगाम नहीं लगा पा रहे। और दूसरा जो तर्क मेरे गले नहीं उतरा वो ये कि वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए ये बजट दिया गया है। आपने मैथमेटिक्स समझाई, मैं तो इनके वहाँ एक और बहुत बुरी व्यक्ति है जो मेरी सरकार में हमको चीखो पुकार करके ताना और उलाहना देते थे, वो थे मुन्ना सिंह चौहान जी। वो हमारे वित्तीय प्रबंधन पर बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाते थे, और अगर वो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो इस समय उनको रेस्क्यू पर आना चाहिए सरकार की, और वित्तीय प्रबंधन अपने हाथों में लेना चाहिए। मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि इस साल से खुद मॉनिटर करेंगे वित्तीय प्रबंधन। मेरे समझ से परे है कि पिछले एक साल मुख्य सचिव कर क्या रहे थे, फिर उनका काम ही यही है। भसीन साहब जवाब दीजिए, फिर उसके बाद उमा जी आ रहा है। उनका काम यही है कि विभाग दर विभाग वो समीक्षा बैठक लें कितना बजट यूज हुआ, और कैसे तिलक जी कोई ये व्यक्ति तर्क दे सकता है कि वित्तीय वर्ष कल समाप्त हो चुका है, 31 मार्च थी कल, और वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है, और भसीन जी यहाँ हमारे गले ये तर्क उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बजट पिछले एक हफ्ते में आवंटित हुआ 3600 करोड़ का वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए है। कमॉन, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये बजट इवन डॉक्टर बसीन जवाब दीजिए प्लीज। आपकी रिपोर्ट में दिखा कि मधुबनी अभी जो गरिमा जी बात कह रही हैं, खर्च नहीं हो पाया, अल्प ज्ञान का प्रतीक है। गरिमा जी होमवर्क करके नहीं आती, इनको वित्तीय स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। अब ये बताएं गरिमा जी, अपने कांग्रेस समय की बात देख लीजिए, निश्चित तौर पर जो आखिरी दिन है, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके मैं देख रहा हूँ मैं तभी तो बता पा रहा हूँ सरकार को, हाँ मैं उसी के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा, आप मुझे बोलने दीजिए ना, आप मैं उसके बारे में बोलूंगा ना, फिर वो बौखला कांग्रेस प्रवक्ताओं की आदत है जो डिबेट को खराब करते हैं, ये अपने समय के भ्रष्टाचार और जो मैं कहूंगा वो सही कहूंगा इसकी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। अब तिलक जी रोकिए इनको, कृपया करके मीडिया की, ये हमारे मीडिया की गरिमा खराब ना करें, गरिमा जी कृपया करके मीडिया की गरिमा को खराब मत करिए। आप जानकारी आपकी जानकारी का होमवर्क व्यक्तिगत नहीं, गरिमा जी एक मिनट बसीन साहब, पहली बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों बहुत सम्मानित हैं, आपकी बात करते हैं गरिमा जी, पहले तो ये तर्कों पर बात करें, देखिए आप हाल पीछे क्या है कांग्रेस से, गरिमा जी की हाल ये हो गया है कि गरिमा जी को सच सुनना बुरा लगता है, बसीन साहब गरिमा जी गरिमा जी एक मिनट आपने प्रश्न उठाया गरिमा जी आपको जवाब चाहिए ना बसीन साहब से, आपको उसके लिए सुनना पड़ेगा गरिमा जी, आपने कहा 22 सालों से यही चला रहा है, गरिमा जी एक मिनट गरिमा जी आपने अपना सवाल उठाया ना, आपको बसीन साहब से उत्तर चाहिए ना सर, एक मिनट आप मेरे होमवर्क पर या मेरे ज्ञान नहीं तो मैं कटाक्ष ना करें ना, आप कह रहे व्यक्तिगत मत, गरिमा जी एक मिनट प्लीज, आपको सुनना पड़ेगा ना इसके लिए उत्तर, बसीन साहब प्लीज जवाब देंगे आप, गरिमा जी दे रहा हूँ आप सुनना नहीं चाहते, गरिमा जी आप उत्तर ले लीजिए, मैं अभी उमा जी के पास भी नहीं गया, एक मिनट प्लीज गरिमा जी प्लीज, पहले तो गरिमा जी एक बार सुन लीजिए प्लीज, पहले तो गरिमा जी मेरा निवेदन है कि अक्सर डिबेट के अंदर डिबेट जब चलती है और जब बीजेपी का प्रवक्ता बोलना शुरू करता है तो बीच में जरूर ये अपना शुरू कर देती है, प्रवक्ता इनके काम को हस्तक्षेप नहीं करता, बसीन साहब वो जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए जो उन्होंने प्रश्न उठाया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इन्होंने कहा व्यक्तिगत आक्षेप, शुरुआत तो उन्होंने करी थी, किससे करती शुरुआत, आपसे करी थी, आपने वैसे कहना चाह रहा हूँ आगे व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, बहुत अधिक काच है कांग्रेस के भवन में, शीशे पर पत्थर मत मारिए, आप तो बहुत चूर चूर हो रहे हैं यार। अब मैं ये कहना चाहता हूँ गरिमा जी से, गरिमा जी आप सुनिए मेरी बात, वित्तीय प्रबंधन कौन सा ऐसा गणित है, आप अपने सारे विशेषज्ञों से बात करके आइए और बताइए, मैं दोबारा बैठूंगा तेरे पे, जो 3600 या 36000 करोड़ रुपया आखिरी दिनों में गया वो कहाँ जाएगा, आप सोचते हैं कि कागजों में सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आप क्या होता होगा, आपके समय में रहा होगा, आप क्या फर्जी काम होते होंगे, ये आपकी संस्कृति है, हमारी संस्कृति काम को धरातल पर लाने की है, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो काम होंगे, एक मिनट आगे होंगे, उमा जी बीजेपी कह रही है, कांग्रेस और बीजेपी एक बात और कह रही है कि ये संस्कार तो कांग्रेस के जमाने से रहे हैं, ये बजट खर्च करने वाला मसला जो है ना वो गंभीर है, इसका उत्तर भी मैं दूंगा, इससे पहले भी मैंने दिया था, लेकिन एक बात आप भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि सरकारें किसी की भी रही हो अंतिम टाइम में बजट, ये फॉर्मूला क्या है,
देखिए, एक तरफ तो बीजेपी अपने आप को इस पूरे देश की धारकर्ता बताती है, इनके नुमाइंदे कहते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ है, और भी तमाम तरह की बातें, ऐसे लगता है कि जैसे हम आज ही पैदा हुए हैं, आजाद भारत में स्वतंत्रता भारत जो है वो आजाद ही नहीं था। माँ भगत सिंह जी, महात्मा गांधी, सब हमारे शहीदों की जो भी उन लोगों ने जो अपनी आहुतियां दी हैं प्राणों की, वो सब अप्रासंगिक हो जाती है, बजट पे आए हमारे बोलना शुरू करते बजट पे। लेकिन एक दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसे ही होता था। भाई जब आप कांग्रेस की लिगेसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर आपने अलग क्या किया? आप जब कुछ गलत करते हैं तो कहते कांग्रेस भी का ऐसे करते थे। अरे भाई, कांग्रेस अगर कुएं में कूदेगी तो क्या आप उसके पीछे पीछे कुएं में कूदेंगे? आप तो अपने आप को समझदार कहते हैं, आप ऐसा करके दिखाइए कि जनता आप पर भरोसा करे, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ ऐसा कर दीजिए जो हम लोग सब आप पर भरोसा करें कि नहीं आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रोसेस यहाँ भी ऐसे ही होता था, पिछले वालों ने भी ऐसे किया था, इसलिए हम भी ऐसे करेंगे, हमें कुछ ना कहा जाए। तो ये जो तर्क बीजेपी के तमाम प्रवक्ता देते हैं, जब इनके ऊपर क्वेश्चन उठता है तो वे कहते हैं कि ऐसा ही होता आ रहा था। उमा जी, मेरे सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ही लगना चाहिए कि कांग्रेस ऐसा ही चल रहा है। उमा जी, आप कैसे कह सकते हैं आपने यहाँ पर आकर कुछ बहुत आमंत्रित। उमा जी, मेरे सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे पूछा ये कौन सा फॉर्मूला होता है, सरकारें कोई भी रही हूँ, देखिए 8 महीने तक तो कुछ नहीं, 8 से 9 महीने, 10-10 महीने तक कुछ नहीं, 2 महीने में बजट पूरा खर्च, काम कुछ करना नहीं है। उससे पहले आपके अफसर सोए होते हैं, आपके विधायक सोए होते हैं, आपके मंत्री सोए होते हैं। एंड टाइम पर जब लगता है कि ये जो बजट है ये लैप्स हो जाएगा, उस समय लास्ट टाइम पर आप लोग बजट की बंदे बांट करते हैं, फटाफट बजट बांटते हैं, आप कहते हैं कि चलिए आप इसको खर्च कीजिए। कहा कि ये पैसा ईमानदारी के साथ और सही समय पर सही जगह लग जाता तो उत्तराखंड की आज वो दशा नहीं होती जो है। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को दूसरी बार चुना है, शायद ये सोच को चुना है कि शायद इस बार सुधर जाए। देखिए, कांग्रेस का जो हुआ वो सबको पता है, ठीक है, कांग्रेस इस बार तो कई बार स्वीकार भी करती है कि जनता ने हमें नहीं सुधारा। आम आदमी पार्टी स्वीकार करती है कि अभी हमारे अंदर कमियां हैं, हम अपनी कमियों को दूर करते हुए आएंगे, जनता हमें स्वीकार करेगी जैसे दिल्ली और पंजाब ने किया। लेकिन अगर बीजेपी ये कहे कि हम तो बिल्कुल स्वर्ण बिल्कुल दिल्ली और पंजाब में कोई चमत्कार नहीं किया, आपने ये मत बोले कि हमने चमत्कार करके दिखा दिया, कांग्रेस ने भी ऐसे किया तो ये तब चले नहीं हो सकता। तो ये आप कह रहे हैं कि ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि भैया 2014 से पहले देश आजाद नहीं था, 2014 के बाद हुआ। आप भी ऐसे ही क्रिएट करते हैं कि भैया दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं था, जब हम आया तभी हमने विकास किया, है ना? और फिर कहते हो कि एप्पल और ऑरेंज की तुलना करके बताओ मुझे, ऐसा भी नहीं होता ना उमा जी? और भगत सिंह का नाम लिया तो भगत सिंह और है ना, फिर वो कहते हैं कि भगत सिंह जिंदाबाद, और फिर जब जाते हो जेल में तो खजूर की तरह है कि भैया मुझे भगत सिंह की तरह फांसी पे नहीं। ऐसा भी मत करिए उमा जी, ये शहीद बन के नाखून कटवा के शहीद मत बनिए। एक मिनट, मैं ये फॉर्मूला इसलिए समझना चाह रहा था, गरिमा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई मुन्ना सिंह चौहान जी का उन्होंने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात कही। हरीश रावत की सरकार, तब यही सवाल उठता था भसीन साहब जी, तो मुन्ना सिंह चौहान जी क्योंकि मेरे मित्र भी हैं तो मुझसे कहते थे कि ये अधिकारी दिस दैट है, उनका एक अपना अंदाज होता है कि ये खर्च नहीं कर पाए, इनको ऐसे करना चाहिए था, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, और ये अधिकारी हैं और ये इनकी लिस्ट है, ये निकम्मे हैं। और फिर कहते थे कि ये सरकार ही है, खर्च ही नहीं कर पाए, बजट 10 महीने में नहीं कर पाए तो 12 महीने में कहां से, ये सब बंदरबाट हो गई। आजकल चौहान साहब कुछ बोलते नहीं है, वो फॉर्मूला पूछ लीजिए सर उनसे, क्या दिक्कत है, योग्य व्यक्ति है, मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न नहीं कर रहा, समझदार व्यक्ति है वो, मसला अलग है कि मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनाया गया, तो उनसे ही पूछ लीजिए फॉर्मूला। जब उनके पास हरीश रावत की सरकार में था वो फॉर्मूला, तो अभी भी वो बता देंगे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे चलो और बल्ले बल्ले सबकी, कि नहीं डॉक्टर साहब? भसीन साहब देखिए, तिलक जी, मैंने शुरू में भी कहा कि ये बीमारी पुरानी है, लेकिन धामी जी के नेतृत्व में इस काम को हम ठीक करने जा रहे हैं, और यही कारण है कि एक नई कार्य संस्कृति वित्तीय प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़े हम, बजट का आकार बढ़ा है और हमने चीजें बढ़ी हैं और प्रदेश में जो विकास हुआ है वो ऐसा नहीं कि सारे जो है पैसे खराब चलते गए, पैसे खर्च हुए समय पर होते तो बेहतर था। मैं उस बात से सहमत हूँ, शुरू में मैंने बहुत तरीके से अपनी बात को रखा भी कि गलती है उसको ठीक करना चाहिए और हम ठीक कर रहे हैं, हम किसी कमी को छुपाने के पक्ष में नहीं है, हमें ठीक करने के पक्ष में है। जब नई कार्य संस्कृति की बात करते हैं तिलक जी, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले गड़बड़ी थी, चाहे वो कोई काल का ला हो, ठीक है, कर रहे हैं और इसीलिए जनता ने हमको चुना है। गरिमा जी, समय बढ़ रहे हैं। गरिमा जी, ये
ये भी तो हकीकत है ना। चलिए चौहान साहब का किस्सा तो आपने याद दिला दिया, एक हकीकत ये भी है कि आप ही की सरकार में कहीं खली महाबली मंत्री थे जो कहते थे कि सत्ता मेरे जूते की नोक पर है ना, उनके विभाग में भी बजट खर्च नहीं होते थे, जो कहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो फिर देखो क्या कर दूंगा मैं। तो ये ऐसा तो नहीं है ना बसीन साहब जो बात कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये संस्कार तो चले हुए आए हैं, चाहे वो तिवारी जी की सरकार रही, खंडूरी जी की रही, या फिर बोगड़ा जी या हरीश रावत जी की। ना तो कोई तुलनात्मक डेटा आप रख पा रहे हैं, ना कोई तुलनात्मक डेटा भसीन साहब रख पा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों में कौन से साल में कितना बजट लैप्स हुआ या कितना बजट आखिरी के समय पर निर्गत किया गया। आप मुझसे बोल देंगे कि नहीं हुआ तो मैं मान जाऊंगा। एक मिनट, डेटा किसी के पास है नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट जो हर डिबेट में हर चैनल पर सुनाई पड़ता है वो ये कि कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक होमवर्क आप करिए, एक होमवर्क मैं करता हूँ। एक मिनट, ये ठीक वैसा ही होमवर्क होगा जब चुनाव के वक्त मैंने एक चैलेंज दिया था बसीन साहब को भी और आपको भी कि आप लोगों ने जिन जिनको नौकरी दिया है सबके नाम पता और फोन नंबर के साथ, वो हरीश रावत की सरकार हो या फिर धामी की सरकार हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में नहीं हुआ, थोड़ा होमवर्क आप करिए, थोड़ा मैं करता हूँ, चुनौती स्वीकार है मेरा। कहा कि नहीं हुआ, मैंने नहीं कहा कि नहीं हुआ। हाँ, मैंने ये कहा कि डेफिनेटली वी वर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं थे, ना कोई हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब तक हमारे पास एक कंपैरेटिव डेटा नहीं है तो हर बात में ये कह देना कि कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा हुआ था, कांग्रेस की सरकार में भी यही होता हुआ करता था, नहीं, कांग्रेस की सरकारों में गैरसैंण में विहंगम निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार में केदारनाथ में पुनर्निर्माण और पुनर्सौंदर्यीकरण हुआ, कांग्रेस की सरकारों में तमाम मंडुआ चिंगोरे का उत्तराखंडियत का काम हुआ, कांग्रेस की सरकारों में मेडिकल कॉलेजेस आए, आईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, स्पोर्ट्स कॉलेजेस बने। कांग्रेस की सरकारों के काम अगर आपको गिनाने हैं तो मैं गिना दूंगी, बट दे क्लेम, बट भसीन जी की पार्टी क्लेम करती है कि इट इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस, सो वेयर इज द डिफरेंस। मेरा क्वेश्चन बस यह है कि वेयर इज द डिफरेंस, व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ टू कांग्रेस एंड हु इज टू बी ब्लेम्ड, किसको ब्लेम करें हम इस वित्तीय घाटे के लिए या वित्तीय वर्ष में जो बजट आखिरी समय पर आवंटित हो रहा है। थोक बजा के छाती थोक के कहते कि नहीं भसीन जी की अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जिन अधिकारियों ने समय जल्दी से फिर उमारी आपके पास आ रहा हूं, रिमाइंडर नहीं भेजा केंद्र सरकार को। अब मैं बता रही हूँ, ठीकरा फोड़ा जा रहा है केंद्र सरकार पर कि जो अपना अंशदान केंद्र ने देना था वो समय पर नहीं दिया, इसलिए हम विभागों को बजट नहीं दे पाए। और तो और ये कहा जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री पहली नजर बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री इस बार क्यों नहीं पहली नजर बनाए हुए थे? मुख्यमंत्री का और काम क्या होता है, मुख्य सचिव का और काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करना, जुमलेबाजी करना बस ये, या फिर जल्दी से करना। फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूँ, भसीन साहब देखिए, हमारा और बीजेपी कांग्रेस का कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हम बहुत देश के हित में प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं और कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया और आज भी स्थितियां पूरे देश में हो रही हैं। सुन तो लीजिए, सभी जनता के लिए, अरे जनता ने आपको किनारे डाल दिया है, अपने कर्मों की ओर ध्यान दीजिए, कांग्रेस की ओर अपने अपने नेताओं की बात ध्यान दीजिए। अरे आपके नेताओं ने क्या संपत्ति कठिन करी, आपकी सोनिया जी तो कोई काम नहीं करती, लेकिन देखिए डिबेट डिरेल हो जाती है, डिबेट डिरेल हो जाती है, नहीं ये डिबेट ऐसे आपको कूड़ा उठान कर सरकार एक मिनट बनानी पड़ गई। मैडम उत्तराखंड में कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ना 56 घोटाले हुए, ना 156 हुए, ना ढांचा हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। एनएच एक मेहनत का तो परिणाम है भसीन जी, एक मिनट, उमा जी का ऑडियो रहेगा, उमा जी का ऑडियो, उमा जी समाधान क्या है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप एक डेडलाइन फिक्स कर दें कि आपको 3 महीने में इतना बजट खर्च करना ही करना है, नहीं होगा तो अधिकारी दोषी, विभाग का मंत्री दोषी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं आशावादी हूँ कि हमारा देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमारे देश की कार्य संस्कृति जैसे जैसे चेंज होगी, हमारे युवा जो हैं, खासतौर पर युवा बच्चे, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वर्ल्ड में, वो जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में डेडलाइन के साथ काम होते हैं। जब ये युवा जनरेशन आगे बढ़ेगी और हमारी सरकारों पर जब दबाव ढलेगा, हमारे देश की कार्य संस्कृति जब चेंज होगी तो सरकार की भी कार्य संस्कृति चेंज होगी।
हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे। हम जानते हैं कि आजकल जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें युवाओं के ऊपर एक डेडलाइन का कितना बड़ा वो रहता है कि भाई डेडलाइन है, उससे पहले हमें ये काम पूरा करना है। अभी हमारी सरकारें जो है वो ढीले रास्ते पर है, वही पुराने वही कांग्रेस वाला हिसाब से। खुद भसीन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी ऐसे होता तो हम भी ऐसे करेंगे। होने दीजिए, हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान अंगड़ाई ले रहा है, हमारे युवा है यहाँ पर। जब ये बच्चे जब देश की जो कहते हैं जैसी जनता वैसी राजा, जब हमारी जनता चेंज होगी, जब हमारी जनता इस बात को समझेगी कि हमें कोई काम समय पर पूरा करना है, इस डेडलाइन में करना है, तो वही प्रेशर धीरे धीरे सरकारों पर भी आएगा। बस बस मुझे डर इस बात का है कि सरकारें इस बात को समझने में ज्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि हमारे युवा ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अगर सरकारें उनको कम्प्लीट नहीं कर पाई तो बहुत गड़बड़ यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा आशावादी होती हूँ कि धीरे धीरे होगा, चेंज होगा, इस सारी संस्कृति में भी चेंज होगा। जो हमारे जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्गदान जो इस समय बैठे हैं, कहने के लिए तो युवा मुख्यमंत्री हैं धामी जी, लेकिन वो युवा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जो बुद्धि है वो बुजुर्गों की है। डॉक्टर बस इस तरीके से ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये, ये, ये बात देखिए आपने भी स्वीकार की एक उमारी और वो एक नई कार्य संस्कृति उत्तराखंड में पेश करें। उमारी आपने ये बात स्वीकार की वसीन साहब कि ये अधिकारियों की लापरवाही है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था ये सब दिस जाए। सर एक होता है कि हमें बीमारी मिल ही नहीं रही कि बीमारी क्या है, तभी बीमारी पहले पता चलेगी फिर इलाज ढूंढेंगे फिर दवा होगी, लेकिन हमें मालूम है कि ये बीमारी है और इसकी दवा ये है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल ना करें। नहीं अब मैं इसका उदाहरण दे देता हूं आपको। अगर कोई अधिकारी विभाग या मंत्रालय 11 महीने तक, यह फॉर्मूला आज तक मैं समझ नहीं पाया और मैं हर बार पूछता हूं कि मुझे बता दीजिए, फिर गरिमा जी नाराज हो हमारे सरकार की बात मत करो, एक भी मंत्रालय विभाग या फिर सरकार कोई भी उठा के देख लीजिए, 11 महीने तक 30% बजट 40% बजट और फिर एक महीने के बाद पूरा का पूरा बजट खर्च, वो फॉर्मूला मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो अधिकारी कैसे कारनामा कर लेते हैं। जो 11 महीने तक नहीं कर पाते वो 12वें महीने में बिल्कुल 100% खर्च, तो सर उसे क्या बोलते हैं, बजट खर्च करना या बंदरबाट? चलो कि दो स्थितियां हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जो पैसा आगे ट्रांसफर हुआ है वो प्रयोग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फर्जी वाले से जाली बिल लगाए जा रहे हैं। हमारी सरकार सुनिश्चित करती है कि आगे काम हो, और यही कारण है कि प्रदेश का विकास दिखाई दे रहा है। जिस बात पे गरिमा जी नाराज हो रही थी, इनकी सरकार की स्थिति ये थी कि चौथे फ्लोर पर सत्ता के दलाल इनके इतने सक्रिय रहा करते थे कि उसकी स्थिति पूरे प्रदेश को पता है। तो ये भी कहा जाता था ना खाता ना बही, जो मैं कहूँ वो सही, हमारे खाता भी है हमारे बही भी है। तो आपकी सरकार में निकल निकल के आ रहे आज, और खोड़ तो आपकी सरकारों में निकल निकल कर ठीक है, जो निकल रहे हैं तक उनको दंडित किया जा रहा है, जो गलत कर रहा है उसको हम जेल में डाल रहे हैं, उसको हम जेल में डाल रहे हैं। चलिए ये जो मसला है चौथे माले वाला जो मसला है बसीन साहब जी, इस चौथे माले पर जाकर किस किस ने हाजिरी नहीं लगाई है ना, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी मैं उस विषय में नहीं आना चाह रहा क्योंकि वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा, वरना बहुत सारी सारंगियां बच जाएंगी सर। हाँ एक वक्त इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी, मैं अभी उस विषय में नहीं जाना चाह रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, गरिमा जी और डॉक्टर बसीन साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस पूरे मुद्दे में आपके सामने ही सवाल है कि बजट क्यों नहीं खर्च हो पाता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।